हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। गाइस, आपके पास अभी बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं बचा है, बट मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास का पूरा समय हाथ से निकल गया है। अभी भी आपके पास 2 महीने, मान के चलता हूँ कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो चुका होगा, 90% से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा, या अब तक तो हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। जैसे मान के चलो बायो के आपके कुछ 5 चैप्टर बचे भी होंगे, या फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुल मिला के ऐसे 15 चैप्टर भी टोटल बचे होंगे तो भी चलता है, या उससे थोड़े से ज़्यादा बचे होंगे तो भी चलता है। आपके पास 2 महीने पूरे हैं, ये समय घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। आपको अभी बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपने अभी गिव अप कर देना चाहिए या नहीं, या फिर ऐसी कोई भी फालतू की चीज़ें दिमाग में आनी नहीं देनी है। अभी के समय में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, इतनी ज़्यादा अपने को डीमोटिवेट करती है, जितनी इसके पहले कभी नहीं हुई थी। क्योंकि इस समय आदमी इतना डरा हुआ होता है कि क्या होगा कि नहीं होगा कि नहीं, मेरे दोस्त को ज़्यादा मार्क आ रहे हैं, मुझे कम मार रहे, या इसको इतने मार्क आ रहे, मुझे इतने मार्क आने चाहिए थे, इतने मार्क नहीं आ रहे, सब चीज़ें अपने दिमाग में घूमती रहती है। और इन सब चीज़ों को हमको हैंडल भी करना पड़ता है, और साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी पड़ती है। सो गाइज, अभी का समय बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि सावधान को मान के चलते हैं कि आपके कुछ कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं 3 सब्जेक्ट के, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हो जाएंगे समय के। आपको करना ये है कि आपको अभी से मॉक टेस्ट शुरू कर देनी है। हम मान के चलते हैं कि आपने इसके पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व किए थे, बट अभी आप वही पेपर फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो आपने इसके पहले किए थे। और अभी आपको वो चीज़ एनालाइज करनी है कि जो पेपर आपने पहले सॉल्व कर चुके हो, जो क्वेश्चन फिर इसके पहले सॉल्व कर चुके हो, वो क्वेश्चन इस बार बन रहा है कि नहीं। वो क्वेश्चन बनना ही चाहिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहे तो दोस्त आपने कुछ तो गड़बड़, क्योंकि जब आप उसको पढ़ चुके हैं तो मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, तो आपको उसको लिख के रखना है, आपको वो कभी नहीं भूलना है, उसको भूलना ही नहीं है, क्योंकि उसके जैसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं और कोई नहीं आएंगे। सो कुछ नहीं होता, अभी भी 2 महीने है ना, आप उन क्वेश्चन पे फिर से जाइए, आप जितने भी आपकी गलतियाँ हुई है आप उन पे फिर से जाइए, और सारी गलतियों को मिटाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके जितने भी आज तक के जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए हो, आई होप आपने उनको अलग से मार्क करके रखे होंगे, अलग से बुक में लिख के रखे होंगे, तो आप फिर से उन क्वेश्चन के थ्रू जाइए कि आपने कहाँ गलती की थी, और उनको बस उनको तो रट ही लेना है आपने, क्योंकि उससे बाहर तो कोई आश्चर्य क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, या फिर उसके जैसा उसकी कुछ वैल्यूज वगैरह चेंज करके या हल्का सा चेंज करके वो क्वेश्चन आ ही सकता है। अभी के समय में आपसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, या टेस्ट पेपर देने में जो जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या जो जो आपसे गलतियाँ हो रही है, उनको आपको बिल्कुल मिटा ही देना है। आपको वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं रहा कि हम एंड में देख लेंगे करके, यही एंड है, यही लास्ट मोमेंट है, आपको अभी करना ही है, इट्स नाउ और नेवर। सो गाइज, अभी ये समय नहीं रहा कि हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली बताया जाए कि इसको ऐसा पढ़, इसको ऐसा पढ़, क्योंकि ये चीज़ें साल के स्टार्टिंग में ही करनी पड़ती है, जब आप फिर शुरुआत से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उस समय ये चीज़ें करनी पड़ती है। बट फिर से मैं एक बार बता ही देता हूँ कि आपको अभी पर्टिकुलरली 3 सब्जेक्ट को किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो बायो में हम मान के चलते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत आपका सिलेबस बचा हुआ है, और जो भी 90% आपका सिलेबस पढ़ के हो गया है या कोचिंग में कंप्लीट हो गया, तो पहली बात, जिसका कोचिंग में पूरा पढ़ा के हो गया है और उस व्यक्ति का पूरा पढ़ के भी हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब उसको करना ये है कि उसको कंटिन्यूस रिवीजन शुरू रखनी है, और साथ ही जो कोचिंग में टेस्ट पेपर होते हैं, वो ग्रैंड टेस्ट वगैरह होते हैं, उनको देते रहना है। और बायो में जैसे कुछ बचा भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बायोलॉजी आपको बस पढ़ना है, उसके कुछ लेक्चर देख लो जो जो है आपसे छूट गए, एक दिन का काम है, 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने में, उससे ज़्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। और यही बात केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी लागू करो कि जितने भी चैप्टर्स बचे हैं आप उनके पहले तो लेक्चर देख लो जितने जल्दी हो सके, बट ऐसा नहीं कि फास्ट लेक्चर देख रहे हैं हम, 2x में देख रहे हैं, तो जो मेन उसका सार मिलना चाहिए वही नहीं मिला। क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्वांटिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको समय देना ही देना है, सारी चीज़ों से समय खींच लो। जितनी भी जगह आप एक्स्ट्रा समय दे रहे थे, जितनी भी जगह फालतू टाइम पास हो रहा था, वो सब चीज़ें ख़त्म कर दो, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, इट्स नाउ और नेवर। अभी नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ऐसी बुक पे अभी तो मत जाना कि फॉर एग्जांपल जिस बुक में 1 चैप्टर में 300-400 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर उसके पीछे गए
तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और अभी तो एक एक दिन कीमती है। इसलिए फिजिक्स का कोई चैप्टर छूटा भी है तो उसमें ऐसी बुक ढूंढो जिसमें एक चैप्टर में 150 एवरेज में क्वेश्चन हो, आप वो 150 क्वेश्चन एक सीटिंग में बैठ के ख़त्म कर दो। उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आ जाने चाहिए, उन 150 क्वेश्चन में उस चैप्टर का ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी प्रिंसिपल कवर हो जाना चाहिए। उसी तरह केमिस्ट्री के लिए भी है, और अगर आपका ऑर्गेनिक वगैरह में से कुछ छूटा है या इनऑर्गेनिक छूटा है तो मुझे नहीं लगता उतनी कोई बड़ी बात है, आप आसानी से कर सकते हो। कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपके करने भर की देरी है। आपको खुद में विश्वास करना होगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, और यही आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, आपका आत्मविश्वास। जितना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जितना आप खुद पे कॉन्फिडेंस करोगे, उतना ही आसानी से आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज एक वीडियो बनाऊँ तीनों सब्जेक्ट के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नहीं तो मैं जो चीज़ बताने वाला था इस वीडियो में, अब मैं उसको शुरू कर। तो गाइस, सबसे पहले अभी के समय में, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। अगर आपको कम मार्क आ रहे और आप खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको अंत में निराशा ही मिलेगी और आपका कुछ नहीं होगा, और आपका जितना भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बचा होगा वो भी साथ में चला जाएगा। इसीलिए खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। साथ ही आपको अगर ज़्यादा मार्क आ रहे हैं तो खुद को ओवर कॉन्फिडेंस में मत डाल देना कि नहीं, मैं हूँ तो कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा मार्क तो मुझे ही आ रहे हैं। इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस आपको सच में ले डूबता है। आपको एक स्टेबल माइंड रखना है, हर चीज़ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है ना, वो कहीं ना कहीं गलती करता ही करता है। इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जाना। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स, ये जो पॉइंट है ना, इसको तो ध्यान ही रखो, क्योंकि यही समय है जो लोग आप पर खुद की नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर दे कि नहीं भाई, मेरा तो हुआ ही नहीं, मेरे से तो हो ही नहीं रहा ऐसा वैसा। उनको डायरेक्ट बोल देना, अगर आपको अपने फ्यूचर की चिंता है तो उनको डायरेक्ट बोल देना कि यार हम दोस्त हैं, बट ये समय वो नहीं है कि तू अपनी नेगेटिविटी मेरे पे डाले। क्योंकि अगर आप ये सब सहना शुरू कर दिए तो आपका भी डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए फिलहाल इस सब चीज़ों से दूर रहो, जो भी नेगेटिव बातें करता है उनसे तो दूर ही रहना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सुनो कि नीट का पेपर 3 घंटे का होने वाला है, वो 3 घंटे के पेपर में आपको कंटिन्यू कॉन्सेंट्रेशन अपना बनाए रखना है। तो आपको अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आपका बैठने का जो समय है वो समय, और साथ ही एक अनडिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन स्पैन अपना बढ़ाना है, क्योंकि ये चीज़ आपको एग्ज़ाम के समय में बहुत काम आएगी। क्योंकि कुछ लोग आधा घंटा या 45 मिनट तक ही कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन छूट जाता है, पर अपने 3 घंटे का पेपर है, ऐसा कोशिश करो, खुद को ऐसा बनाओ कि आपका 3 घंटे तक कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना जाए। साथ ही आपको 3 घंटे तक उठने की भी इच्छा हो, एग्ज़ाम में 3 घंटे बैठे रहना है। इसलिए आपको करना ये है कि अभी आपका जितना भी एक टाइम स्पैन है जिसमें आप बिना थके, बिना आलस लिए या बिना कॉन्सेंट्रेशन खोए बैठ सकते हो, तो उस स्पैन को धीरे धीरे करके बढ़ाना है। 2 महीने हैं, 2 महीने में वो बढ़ सकता है। अगर आप 1 घंटे तक बैठते हो तो 1 घंटा 20 मिनट बैठने की कोशिश करो, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, ऐसा धीरे धीरे करके बढ़ाओ। इसको 3 घंटे तक ले जाना ही ले जाना है, एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और यार, इस समय मोटिवेशन की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ से मोटिवेशन आता है, कुछ मोटिवेशनल शॉर्ट्स, मोटिवेशनल रील्स देखने से मोटिवेशन आता है, तो आप ज़रूर देखो, बट खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं, मैं सिर्फ 1 या 2 ही देखूंगा, 1 या 2 ही कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनूंगा या मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा, उसके बाद मुझे फिर से पढ़ाई करना है। ये आपका खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, और अगर इतना आप कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गो फॉर इट। जो चीज़ आपके लिए काम करती है आपको वो चीज़ करनी चाहिए। और दुनिया में कोई मोटिवेशन ना मिले ना, तो बस अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देख लेना, आप सारी निगेटिविटी भूल जाओगे, क्योंकि आपके माता पिता इतनी आस लगा के बैठे हैं आपके पीछे। अगर आप यार उनको इतनी सी चीज़ नहीं दे सकते हो, उनके लिए इतनी सी पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या कर सकते हो? क्यों बड़ी बड़ी बातें करोगे आप आगे चल के कि नहीं, मैं माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? वो बस इतना सा तो मांग रहे हैं कि बेटा इतना सा पढ़ ले, इतना सा सिलेक्शन तो दिला दो उनको, इतना सा नहीं होता क्या? तो बस आपके माता पिता की तरफ देखो, आपके मम्मी पापा आपकी पढ़ाई का वो रीज़न बन जाए कि बस आपको इसके बाद कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, इतना ही मोटिवेशन आपके लिए मोर देन इनफ है आपको आगे बढ़ाने के लिए। और अगर किसी को लगता है कि अभी गिव अप कर देना चाहिए, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ
बस एक चीज़ बता रहा हूँ, बस एक चीज़ ध्यान रख लो, उसके बाद गिव अप करना है तो कर देना, या आपकी मर्जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको गिव अप करना ही है ना, कोई और जगह एडमिशन लेना है क्या, तो वो उस आप और जगह एडमिशन कर लो अगर आपको करना है तो। अगर आप एडमिशन नहीं कर रहे हो, अगले साल के लिए तैयारी करना है फिर से, तो ये 2 महीना क्या करोगे? ये 2 महीना फिर से शुरुआत से पढ़ाई करोगे या कुछ और करोगे? तो 2 महीना आप इतना करो, आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही जितनी ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो दे दो, पढ़ना वगैरह छोड़ दो, नहीं जमता है ना, गिव अप करना है ना, छोड़ दो, सब छोड़ दो। बट मैं ये बोलूँगा कि आप जो पेपर दोगे एटलीस्ट उसको अच्छे से एनालाइज करना, बस इतना करना। आपने सारी निराशा जितनी भी आस छोड़ दी हो एग्ज़ाम से चलेगा, पर ये 2 महीना खाली तो मत बैठो, कम से कम कुछ तो करो यार, कुछ तो करो, बस पढ़े तो मत बैठ जाना नल्ले जैसे। तो आपको करना ये है कि आपने एग्ज़ाम देना है, और जितनी भी टेस्ट पेपर आप दे सकते हो जहाँ वहाँ से भी ले सकते हो, बट पर डे 3 से ज़्यादा मत देना या 4 से ज़्यादा, एक लिमिट होती है, क्योंकि साथ में आगे का बता रहा हूँ मैं। तो जो भी टेस्ट पेपर आप दोगे, जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होंगे, उस गलत हुए क्वेश्चन को, जहाँ से वो गलत हुआ है वो क्वेश्चन जिस चैप्टर का है, जिस टॉपिक का है, उस टॉपिक को फिर से उस टेक्स्ट बुक में जाके देखना, या जहाँ से भी जिस बुक से आप पढ़े थे। बायोलॉजी के लिए है तो आप NCERT जाके देखोगे, या फिजिक्स के लिए है तो आपने जो भी बुक यूज़ की हो, जो भी मटेरियल, या जहाँ से भी आपने थ्योरी पढ़े हो, उस चीज़ में उस चीज़ को पढ़ लेना एक बार, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ के देख लेना, बस बस इतना ही करना। और हो सके तो जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको एक मार्क कर देना, कि आगे आप उसको पढ़ सको या फ्यूचर में एक्सेसिबल हो आपसे। तो बस इतना करना, और स्कोर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मत सोचो। कि यही एक आखिरी चीज़ बची है आपके लिए, अगर आप सच में गिव अप करना चाहते हो तो। पर गाइस एक चीज़ मैं आपको अभी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि आप नीट को जिस वे से देखते हो, जो नीट के जब देखने का आपका नज़रिया है, वो नज़रिया ये है कि नीट बस एक एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम देनी है, आपको MBBS की सीट मिल जाएगी। बट जब आपको एक्चुअल में MBBS की सीट मिलेगी ना, तब आपको लगेगा कि आपने जितनी भी मेहनत किए हो, आप उस हर एक मेहनत के लिए, हर एक दिन की हार्ड वर्क के लिए खुद को थैंक यू बोलोगे। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करना नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी अगर आपको एक MBBS की सीट मिलती है या फिर किसी अदर कोर्स की सीट मिलती है। ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा दोनों में। इसीलिए अभी से सोच लो कि सिर्फ आपको MBBS ही लेना है, उससे नीचे किसी चीज़ पे समझौता मत करना। मैं किसी और स्ट्रीम को ख़राब है ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर आके कितना अच्छा लगता है, हर एक दिन जो मैं जीता हूँ, एक एक दिन जिस तरह से मैं अच्छा फील करता हूँ कि नहीं, मैं किसी एक स्टैंडर्ड कोर्स कर रहा हूँ, एक डिवाइन कोर्स कर रहा हूँ। तो गाइस इसको छोटा मत समझो, आप एक सिर्फ एक एग्ज़ाम दे रहे हो ऐसा मत समझो, ये मैं आपको बस एक मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। और ये चीज़ आपको तब रियलाइज़ होगी जब आप एक्चुअल में नीट की एग्ज़ाम क्लियर करके MBBS की सीट लोगे। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। वैसे तो टाइम टेबल कितना भी बना लो कोई फॉलो नहीं कर पाता है, पर अभी के समय ऐसा मान के चलते कि आपकी हर दूसरे दिन या एक दिन छोड़ के एग्ज़ाम या टेस्ट पेपर होने ही होने हैं, आप जहाँ भी आपकी कोचिंग है उस कोचिंग के हिसाब से। तो वो टेस्ट पेपर तो कंसिस्टेंट रहेगा, वो टेस्ट पेपर आपने कभी मिस नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। साथ ही आपका जो रिवीजन शेड्यूल है उसको इस तरह से रखो, आप उसका कोई टाइम टेबल मत बनाओ कि आपको दिन में इतना करना है, बस आप ये करो, एक रात सोने से पहले अगले दिन क्या रिवाइज करना है उसकी लिस्ट बना लो, बस जितने भी चैप्टर आपको तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, जितने भी रिवाइज करना है उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लो, और अगले दिन उठने के बाद बस वो लिस्ट को एक बार पढ़ लेना कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, आज का मेरा इतना टारगेट है, आज का ये टारगेट मुझे अचीव करना ही करना है, मुझे इतना टारगेट अचीव करना ही करना है, बस इतना करो, कोई टाइम टेबल मत बनाओ। और अभी के समय में टाइम टेबल क्या बनाना, आपके पास सारे काम छोड़ दो, अभी सिर्फ पढ़ाई करो और अपनी हेल्थ और नींद का ध्यान रखो, बस आपका सारा काम हो गया। और यार खुद को व्हाइट कोट में देखो, आपके गले में स्टेथोस्कोप टंगा हुआ आपने देखना चाहिए, आपको उसको विजुअलाइज करते आना चाहिए, बस ये चीज़ आपको हर दिन सोने से पहले और उठने के बाद करनी ही करनी है। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, ये चीज़ आपको
आगे हर दिन आगे बढ़ाते रहेगी, आपको पढ़ने के लिए किक मिलते रहेगी इस चीज़ से। तो ये भी एक चीज़ कर लेना, हर दिन खुद को उस वाइड एप्रॉन में उस स्टेथोस्कोप के साथ विजुअलाइज करना, ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करेगी। सो गाइस, अभी सिर्फ 2 महीने बचे एग्ज़ाम के लिए और मैं ये कहता हूँ कि आप अभी भी कर सकते हो। बस खुद पे भरोसा रखो, गिव अप बिल्कुल मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए आप इस चीज़ को डिज़र्व करते ही हो। तो बस लग जाओ मेहनत करने के लिए, बस लग जाओ उस चीज़ के लिए जो आप हमेशा से चाहते हो। बस वो मेहनत मांगता है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी और माता पिता की दुआ, वो तो हर किसी के साथ होती ही है। सो गाइस, मैंने कोशिश किया इस वीडियो में हर वो चीज़ कवर कर सकूँ जो अभी के समय में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने स्टार्टिंग से पढ़े हो, कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप तो अभी तक तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन मैंने कुछ और चीज़ बताया जो पढ़ाई से थोड़ी सी डिफरेंट है और वही चीज़ होती है जो रैंकर्स डिसाइड करती है। पढ़ तो सब लेते हैं, बट आपको रैंक लाना है या एटलीस्ट सिलेक्शन तो करवा लो पहले, तो उतने के लिए ही ये चीज़, बारीक बारीक चीज़ें होती है ना जिस पे लोग इग्नोर करते हैं, तो वो चीज़ मैंने बताने की कोशिश किया हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिसमें और कुछ मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगा एग्ज़ाम के पहले, आपको एग्ज़ाम कैसी देनी है या फिर उससे रिलेटेड समथिंग। सो गाइज, इस वीडियो को शेयर करो अपने नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस पढ़ाई करो।